हेलो एंड वेलकम बैक टू द बीआर स्टॉपर। सो पीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग वी हैड स्टार्टेड विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ बीए फिफ्थ सेमेस्टर दैट इज एंग्लो अमेरिका। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सीरीज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एंग्लो अमेरिका और द मेजर रिवर्स ऑफ एंग्लो अमेरिका। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, ये जो रीजन है एंग्लो अमेरिका, इसका ना साइज बहुत वास्ट है। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कैनेडा एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री यूएसए दोनों इसी रीजन में हैं, और इस लार्ज लैंड साइज के ऊपर जो रिलीफ और क्लाइमेट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब वैरायटी ऑफ फिजियोग्राफिक फीचर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। सो दिस लार्ज रीजन हैज सेवरल लार्ज एंड स्मॉल ड्रेनेज सिस्टम्स एज वेल। मतलब एंग्लो अमेरिका में जो ड्रेनेज का पैटर्न है उसमें भी हमें वैरायटी देखने को मिलती है, क्योंकि इसका साइज बहुत वास्ट है और रिलीफ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो छोटी बड़ी हर तरह की रिवर्स हमें यहाँ पे मिलती हैं, जिनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। और इनके सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो हिस्ट्री में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जो यहाँ की रिवर्स हैं उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ की हिस्ट्री में भी, या पास्ट टाइम से ही ये काफ़ी यूजफुल रही हैं। दे सर्व्ड एज इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज इन एंशिएंट टाइम्स। तो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से भी पहले ये जो रिवर्स हैं एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रही हैं, और इरिगेशन के लिए भी पास्ट टाइम से ही इनका यूज़ किया जाता है फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट्स जो इन रिवर्स पर डेवलप किए गए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एंड दे एड सीनिक ब्यूटी टू द लैंडस्केप ऑफ द रीजन एंड दस प्रमोट टूरिज्म। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर्स हैं यहाँ की, जो कि सीनिक ब्यूटी भी ऐड करती हैं लैंडस्केप की और टूरिज्म को प्रमोट करती हैं। फाइन, नाउ सी दिस इज द मैप ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ एंग्लो अमेरिका। इसमें ये वाला पार्ट देखो, ये है मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम, जो कि एंग्लो अमेरिका का चीफ रिवर सिस्टम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर सिस्टम है वो है मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम। इसमें ये जो रिवर है दिस इज मिसिसिपी, ये मिजोरी है, और यहाँ पे ओहायो। ये एक सिस्टम बना रहे हैं, रिवर सिस्टम है इनका, एक ड्रेनेज सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका नाम मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो है रेड रॉक ऑफ मोंटाना। तो मोंटाना के रेड रॉक से ये ओरिजिनेट होती है रिवर। इसकी लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे रेड रॉक नाम का एक माउंटेन है या माउंटेनियस फीचर है जिसका नाम रेड रॉक है मोंटाना में। मोंटाना स्टेट है यूएसए की, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है रिवर का। तो ये इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है रेड रॉक ऑफ मोंटाना। चीफ रिवर सिस्टम है ये एंग्लो अमेरिका का, और सेंट्रल लो लैंड्स जो हैं यूएसए के वहाँ पे ये स्प्रेड है। जो नोट्स मैं आपको दूंगी उसमें ये सारा कुछ मेंशन है, यहाँ पे आप मैप में समझ लो। देखो, ये जो रीजन है, फिजियोग्राफी जब हमने की थी एंग्लो अमेरिका की, तो ये सेंट्रल लो लैंड्स वाला रीजन है। यहाँ पे ये जो सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम, ये स्प्रेड है। ठीक है, कहाँ पे स्प्रेड है? सेंट्रल लो लैंड्स ऑफ यूएसए। और यहाँ पे आके ये बर्ड फुट डेल्टा बनाते हैं। ये जो रिवर्स हैं ये मिलके बनाती हैं डेल्टा, जिसके टाइप है बर्ड फुट टाइप का डेल्टा, ये बनाते हैं न्यू ऑर्लियंस में। यहाँ पे न्यू ऑर्लियंस स्टेट है यूएसए की, उसमें ये बर्ड फुट डेल्टा बनाती हैं, और ये आउटफ्लो करते हैं अपना वाटर गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, तो ये जो अपना वाटर ड्रेन आउट करती हैं रिवर्स, ये करती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और इसके ऊपर इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं उसमें हैं एक तो ओहायो और अरकानसास, एक इसकी ट्राइब्यूटरी आप याद रख लो। और इसके ऊपर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक क्लेरेंस कैनन डैम है और दूसरा है नैरोज डैम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेरेंस कैनन डैम और नैरोज डैम, ये इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इस रिवर्स के ऊपर, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर शेड है वर्ल्ड का। वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाटर शेड्स में ये काउंट होता है। न्यू ऑर्लियंस में बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। सेंट्रल लो लैंड्स जो यूएसए के हैं वहाँ पे इनकी लोकेशन है इस रिवर सिस्टम की। और एंग्लो अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर सिस्टम है वो मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम है। सोर्स ऑफ ओरिजिन रेड रॉक ऑफ मोंटाना, एंड इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ओहायो एंड अरकानसास। ठीक है, आउटफ्लो मैंने दिखा दिया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको में होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर। इसकी लोकेशन मार्क कर लो मैप में, ये है सेंट लॉरेंस रिवर।
इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लेक में से ओरिजिन हो रहा है इसका। ये एंग्लो अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स हैं, इसमें से इस लेक का नाम है लेक ओंटारियो। क्या नाम है इसका? लेक ओंटारियो, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये अपना वाटर ड्रेन आउट कर रही है, आउटफ्लो इसका हो रहा है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। तो ये याद रखना बहुत ही ईजी है, इस रिवर का नाम सेंट लॉरेंस है। इसका जो ड्रेनेज हो रहा है या जो इसका वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, वो हो रहा है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है और ये बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है एंग्लो अमेरिका का। जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है इनलैंड वाटरवे, ये एक वाटरवे का काम करती है रिवर, और बिजिएस्ट है ये एंग्लो अमेरिका का इनलैंड वाटरवे। इसके ऊपर हमें बहुत सारे रैपिड्स और फॉल्स भी मिलते हैं। वर्ल्ड फेमस जो नियाग्रा फॉल्स हैं, वो इसी सेंट लॉरेंस रिवर के ऊपर हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज जो हैं, ये उनके नाम हैं सेंट रेगिस और ग्रास रिवर्स। इसको आपने याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी सेंट लॉरेंस रिवर की, सेंट रेगिस एंड ग्रास रिवर्स। और इसका जो हाइड्रो पावर प्लांट है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है इरोक्विज डैम। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, रिवर यूकॉन, इसकी लोकेशन है नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे। जो अलास्का वाला रीजन है, यहाँ पे यूकॉन रिवर फ्लो करती है। और इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन देखो, ये जो रीजन है ना, ये फ्रिजिड जोन में आता है। ये मैंने बताया था फ्रिजिड जोन में है, तो मतलब यहाँ पे ये फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो इसका टेम्परेचर रहता है, एक प्लेटू है ये। और यहाँ पे क्या है कि ग्लेशियर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे एक लेवलिन नाम का ग्लेशियर है, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है रिवर का। लेवलिन ग्लेशियर में से ये ओरिजिन होता है इसका। नॉर्थ वेस्ट साइड पे ये फ्लो करती है और यहाँ पे ये बेरिंग सी में आउटफ्लो करती है। ये कहाँ पे जाके गिरती है? समुद्र के साथ जब मिलती है ये रिवर, तो ये बेरिंग सी में जाके अपना वाटर गिराती है। यहाँ पे क्या है, दिस इज़ एंग्लो अमेरिका एंड यहाँ पे एशिया है। ठीक है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो एक स्टेट सेपरेट करती है, उसका नाम है बेरिंग स्टेट। और यहाँ पे बेरिंग सी है, तो इस बेरिंग सी में ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ठीक है, स्लो मूविंग ग्रेडेड स्ट्रीम है ये, मतलब इसके ऊपर आपको छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये फ्लो करती है यूकॉन और अलास्का स्टेट्स में। फाइन, तो यूकॉन कैनेडा की टेरिटरी है और अलास्का यूएसए की टेरिटरी है। तो यहाँ पे ये इन दो स्टेट्स में फ्लो करती है। इसकी इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी क्लॉन्डिक, टेस्लिन एंड वाइट, ये इसकी इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। इसके ऊपर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें वाइट हॉर्स और वाइट हॉर्स हाइड्रो पावर प्लांट, ये इसका नाम है वाइट हॉर्स हाइड्रो पावर प्लांट। एक वाइट नाम की इसकी ट्राइब्यूटरी भी है। ठीक है, तो ये लर्न हो जाएगा इजीली, बाकी सारा मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट जो रिवर है उसको समझते हैं। यहाँ पे देखो, रिवर कोलोराडो, दिस इज रिवर कोलोराडो। इसका ओरिजिन है ग्रैंड कंट्री में से। यहाँ पे ग्रैंड कंट्री यूएसए की स्टेट है, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ये मेजर रिवर है साउथ वेस्टर्न एंग्लो एरिड एंग्लो अमेरिका की। एरिड मतलब यहाँ पे डेजर्ट टाइप की टोपोग्राफी है इस रीजन की। तो जो एरिड ड्राई लैंड्स है, वहाँ पे ये रिवर फ्लो करती है। और ये बहुत ही डीप और लॉन्ग कैनियंस में से पास होती है, मतलब वैली होती है ना, जैसे वी शेप्ड वैली होती है। तो वैली थोड़ी नैरो होती है, जो ब्रॉड होते हैं ना, जिनका मतलब थोड़े ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, उसको हम कैनियंस बोलते हैं। तो बहुत ही डीप कैनियंस में से ये रिवर पास होती है। और स्नेक इसकी एक इम्पॉर्टेंट, नहीं स्नेक नहीं सॉरी, लिटिल कोलोराडो और गिला और ग्रीन, ये तीन इसकी इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। और ये अपना वाटर कहाँ गिरा रही है, आउटफ्लो किस तरफ है इसका? तो यहाँ पे आपको पता है पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में ये रिवर आउटफ्लो कर रही है। ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज लिटिल कोलोराडो, गिला और ग्रीन। हाइड्रो पावर प्लांट्स इसके ऊपर हूवर एंड बोल्डर डैम्स, ये नाम आपने याद कर लेने हैं। हूवर एंड बोल्डर डैम्स थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। बाकी इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और आउटफ्लो कहाँ हो रहा है, ये मैप में आप क्लियरली देख के, अच्छे से समझ के, फिर वो याद ही रह जाएंगे। और जो इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी लर्न रह जाएगी। इनके नाम थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ट्राइब्यूटरीज के और हाइड्रो पावर प्लांट्स के। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है कोलंबिया रिवर। तो ये है रिवर कोलंबिया, इसका जो ओरिजिन है वो लेक कोलंबिया में से होता है। और लेक कोलंबिया कहाँ पे है?
ये रॉकी माउंटेन्स में लेक कोलंबिया है जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। वेस्टर्न यूएसए की मेजर रिवर है ये और एंग्लो अमेरिका के लार्जेस्ट बेसिन्स में ये काउंट होती है। लार्जेस्ट जो ड्रेनेज बेसिन्स है, मतलब ये कितना एरिया ड्रेन कर रही है, इसका जो ड्रेनेज का एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। बेशक इस रिवर का साइज़ आपको मैप में थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन जितना एरिया ये ड्रेन करती है, इरिगेशन जहाँ पे इसकी होती है, वो काफ़ी एक लार्ज एरिया है। और एक ये एक लॉन्ग एंड पावरफुल रिवर है जो कि डीप गॉर्जिस में से होते हुए जाती है, डीप गॉर्जिस को कट करते हुए जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा ये रह गया, इसको मैं नोट्स में लिख दूंगी, ठीक है। स्नेक इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है और इसके ऊपर जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, ग्रैंड कुली, बोनेवली एंड चीफ जोसेफ, तीन नाम मैंने लिखे हैं। अगर आप एक भी याद कर लो वो इनफ है, ठीक है। अगर दो दो तीन तीन नाम आपको नहीं याद रहते, आप सभी रिवर्स का एक एक हाइड्रो पावर जो प्लांट्स हैं इनको लर्न कर लो। और नहीं याद करने हैं तो भी आप सिर्फ इसमें ये जो सिक्स कॉलम्स है ना, आप इसको फाइव कॉलम्स भी बना सकते हो। अगर आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हाइड्रो पावर प्लांट्स वाला ये जो कॉलम है इसको आप डिलीट कर सकते हो। आप सिर्फ ट्राइब्यूटरीज एंड आउटफ्लो लिख दो, ठीक है। तो ये आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर लेना। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है या आप कर सकते हो तो करो, और टाइम कम होता है, कई बार एग्ज़ाम कल ही होता है जैसे, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। और इसका कोलंबिया रिवर का जो आउटफ्लो होता है वो पैसिफिक ओशन में होता है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज सैक्रामेंटो एंड सैन जोआक्विन रिवर। ये जो रिवर्स हैं ये डेल्टा बनाती हैं यहाँ पे, सैक्रामेंटो और सैन जोआक्विन। तो इनको मैं इकट्ठा ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन दोनों का जो सोर्स है वो भी कॉमन है, बेशक यहाँ पे और यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन ये जो रेंज है ये कैस्केड एंड सियरा नेवाडा रेंज है। ये माउंटेन रेंज है कैस्केड एंड सियरा नेवाडा, इसका ओरिजिन भी यहीं से है, सैक्रामेंटो का और सैन जोआक्विन का भी कैस्केड एंड सियरा नेवाडा माउंटेन रेंज में से ओरिजिन होता है। बेशक थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, एक नॉर्थ की तरफ से ओरिजिन हो रही है, दूसरी साउथ की तरफ से वेस्टवर्ड जा रही है, लेकिन जिस माउंटेन रेंज में से ये ओरिजिनेट हो रही हैं वो है कैस्केड एंड सियरा नेवाडा माउंटेन, वो इनका ओरिजिन कॉमन है, ठीक है। सैक्रामेंटो जो रिवर है ये सेंट्रल वैलीज जो हैं यूएसए की, वहाँ से वहाँ पे फ्लो करती है, और इसके इसमें बहुत सारी फ़िश की स्पीशीज़ हमें मिलती हैं। सैक्रामेंटो रिवर में बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ फ़िश की स्पीशीज़ हैं। पिट्स एंड फैदर इसकी दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। दो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं इसके ऊपर, शास्ता और कैस्विक। आउटफ्लो होता है पैसिफिक ओशन में, इसका भी पैसिफिक ओशन में और सैन जोआक्विन का भी पैसिफिक ओशन में ही होता है, सोर्स कॉमन है। और ये जो सैन जोआक्विन रिवर है ये कैलिफोर्निया स्टेट की लॉन्गेस्ट रिवर है, अकेले कैलिफोर्निया में ही फ्लो करती है, और यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है ये सैक्रामेंटो रिवर के साथ में मिलकर ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो दोनों साथ में डेल्टा बनाती हैं, दोनों का सोर्स भी कॉमन है। और ये जो सैन जोआक्विन है इसकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं मर्सिड एंड टुअलुम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इंपॉर्टेंट फ्रियान डैम, और आउटफ्लो पैसिफिक ओशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैकेंजी रिवर, दिस इज द लोकेशन ऑफ मैकेंजी रिवर। ये मेजर रिवर है कैनेडियन लोलैंड्स की। जब लोलैंड्स हमने किए थे सेंट्रल लोलैंड्स, तो उनकी इस तरह से वो फीचर बना था, यहाँ से नॉर्थ से नैरो और साउथ में ब्रॉड थे, ठीक है। तो ये जो कैनेडियन लोलैंड्स हैं उनकी एक मेजर रिवर है, बहुत सारे लेक्स में से ये पास होती है। ये जो रीजन है कैनेडा में, यहाँ पर ना लेक्स बहुत मिलेंगी, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, वैसे भी छोटी छोटी बहुत सारी लेक्स यहाँ पे हैं जिसमें से ये रिवर पास होती है। और क्योंकि ये फ्रिजिड जोन में आता है ये रीजन, तो ये रिवर ज़्यादातर साल, मतलब साल के ज़्यादातर महीनों में, स्पेशली विंटर्स में स्नो बाउंड रहती है, तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कम है, ठीक है। वैसे काफ़ी बड़ी रिवर दिख रही है ये, लेकिन स्नो बाउंड रहती है, बर्फ़ जमी रहती है इसमें, तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मेजर ट्राइब्यूटरी जिसकी पीस लियर्ड और किले हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर कार्मेन स्मिथ और लीबर्ग प्रोजेक्ट्स हैं। आउटफ्लो होता है इसका ब्यूफोर्ट सी में। यहाँ पे देखो इधर इसका आउटफ्लो हो रहा है मैकेंजी रिवर का, ये है ब्यूफोर्ट सी, यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी है और यहाँ पे बेरिंग सी, एंड दिस इज गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और यहाँ पे है हडसन बे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी याद रख लेनी है। और इस तरफ को जिस भी रिवर का आउटफ्लो है वो पैसिफिक ओशन में हो रहा है, फाइन। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट रिवर है
साउथ एंग्लो अमेरिका की रियो ग्रैंड। ये जो रियो ग्रैंड रिवर है, यहाँ पे आप देखो मेक्सिको कंट्री है, दिस इज मेक्सिको कंट्री, और ये ना इनकी बाउंड्री के बिल्कुल पैरेलल चलती है रिवर। स्टार्टिंग में तो यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल है, तो ये एक बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको, नेचुरल बाउंड्री ये फॉर्म करती है, और ये क्लियर स्नो फेड माउंटेन स्ट्रीम है। तो यहाँ माउंटेन्स में से निकलती है, रॉकी माउंटेन्स है यहाँ पे, तो बहुत ही क्लियर एक स्नो फेड ये माउंटेन स्ट्रीम है। ठीक है, आउटफ्लो इसका होता है गल्फ ऑफ मेक्सिको में, आउटफ्लो इसका इस तरफ ही होगा गल्फ ऑफ मेक्सिको में। पीकोस और डेविल्स ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, और इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट्स एलिफेंट वुड और कैलाबो डैम, ये दो इसके इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। फाइन, सो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एंग्लो अमेरिका जो है, ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड भी आपका कोई और क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी, ठीक है। और अब इस आंसर को लिखना कैसे है एग्जाम में, इसके बारे में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखो जैसे मैंने ये लिखा है ना, अब इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एंग्लो अमेरिका, ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका, और टेबुलर फॉर्म में अगर लिखते हो फिर लास्ट में मैप बना देते हो इसी तरह से, तो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, दोनों ही मेथड गुड हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। आप चाहो तो हेडिंग बनाइए मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम, और सारी यही इन्फॉर्मेशन आप इसके सेंटेंसेस फॉर्म करके लिख दो। अदरवाइज आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो टाइम भी कम लगेगा और मार्क्स उस दूसरा जो मेथड है उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और ईजी अगर करना चाहते हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अगर नहीं याद होते तो ये आप स्किप भी कर सकते हो, याद कर लो तो डेफिनेटली मार्क्स ज़्यादा ही होंगे, स्कोरिंग मार्क्स आएंगे, और अगर नहीं करते हो तो भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, यह एक एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है हर एक रिवर का आप याद कर सकते हो। ट्राइब्यूटरीज भी अगर आप दो याद कर लो वो इनफ है, कहीं कहीं पे मैंने तीन लिखी हैं, कहीं दो ही लिखी हैं, एक भी अगर आपको याद रहती है तो आप एक भी लिख सकते हो। फाइन, तो इस यूनिट के कम्प्लीट नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और बीए थर्ड ईयर का मैप स्टेंसिल का अगर आप सेट परचेस करना चाहते हो, प्लास्टिक के मैप स्टेंसिल्स आपको मिलेंगे, तो वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब टू द बी आर स्टॉपर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।